विभिन्न विषयों पर उनके विचार। भारत की सांस्कृतिक विविधता और शांति पर बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि महात्मा गांधी ने जो मार्ग हमें दिखाया है उस पर चलकर हम अपने देश को शांति के पथ पर ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है जिसमें इतने इतने छोटे छोटे फिरके वाड़े होते हैं, लेकिन इन सब को एक तरह से जमा करके गुलामी में से हटा के मुल्क को बहुत ऊंचा किया और दुनिया में हमारे मुल्क की इज्जत बढ़ाई। अब वो जो महात्मा गांधी जी ने किया किस तरह से किया, क्या उनके पास था, क्या ताकत थी और कब से ये काम उनने शुरू किया, जब हिंदुस्तान में नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां जो केवल मजदूर लोग रहते थे, हिंदुस्तान के गिरमिट लोग जो गए हुए अफ्रीका में अनेक प्रकार के दुख में पड़े थे, उनके साथ मजदूर बनके काम किया, वहां उनको एक चीज मिल गई जिसको लेके हिंदुस्तान आए, उसी चीज से हिंदुस्तान को उठाया। अब हम सब लोग अपनी छोटी छोटी बातों में पड़े रहते हैं और हमारी दृष्टि बहुत टूटी रहती है, हम आगे नहीं देख सकते हैं, इसलिए बहुत दफे उनके साथ नहीं चल सके और कुछ लड़ते रहे, कुछ झगड़ते रहे, कुछ कजिया करते रहे, लेकिन वो अपनी बात छोड़ते नहीं और मरते दम तक सही रास्ते पर जो उनको सही लगा वो रास्ता कभी नहीं छोड़ा। वो सबसे बड़ी बात थी जिससे हमारा मुल्क बढ़ा, जिससे हमारी इज्जत बढ़ी। तो इस समय पर हमें क्या करना, दुनिया देख रही है कि एक आदमी था जिसने सबको जमा करके इकट्ठा करके सबको उठाया, कोई को उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान इस प्रकार का एक होके आजाद बन जाए, लेकिन ये चीज हो गई। जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है वो गुमाना नहीं चाहिए। 15 अगस्त 1949 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में शांति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था। आज भारत की स्वतंत्रता का 2 साल पूरा होता है, उस बीच में जो भारत की हालत हुई वो आप लोगों को सबको मालूम है। 2 साल 2 युग जैसे गए, जितनी हमारे पर भली बुरी गुजरी उससे मालूम होता है कि बहुत से मुल्क इस हालत में गिर जाते हैं, लेकिन हम लोग खड़े हुए हैं, हमारी जगह पर अभी तक भी खड़े हैं। कई लोग मायूसी की बात करते हैं, मुझे कोई मायूसी का कारण मालूम नहीं पड़ता। हाँ, जो हम लोग हमारा कर्तव्य बराबर करते तो आज हम बहुत आगे बढ़ते, लेकिन वो हमने नहीं किया। आज वो दिन है जिस दिन पर हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि पिछली गलतियां जितनी भी हुई हुई वो सब भूल जाना चाहिए और आज फिर से निश्चय कर लेना चाहिए कि हर हिंदुस्तानी का धर्म है कि भारत की प्रगति में अपना जो कुछ हिस्सा देना हो
उसको देना चाहिए। मुल्क में शांति है, इधर उधर कलकत्ता जैसे शहर में या तो और कोई जगह पर कोई नौजवान बिगड़े, गोला फेंके, एसिड बॉम्ब फेंके, एसिड बल्ब फेंके और या कुछ दंगा फिसाद करे, इससे भारत का माप नहीं मिलता। बहुत बड़ा मुल्क है, हर जगह पर लोग अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो मुल्क में तो चारों तरफ शांति है। शांति बिना तो काम चलता नहीं। अब पूरी शांति इतनी है, बाहर का कोई खतरा नहीं है, तो यदि हम भीतर का काम हमारा पूरा करें तो हमें कोई मायूसी का कारण नहीं है। 4 नवंबर 1948 को नागपुर में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में बोलते हुए सरदार पटेल ने देसी रियासतों के विलय पर अपने विचार प्रकट किए थे। मेरे दिल में ये रियासतों को एकत्र करने की और हिंदुस्तान में मिलाने की कल्पना किस तरह से उद्भवी, उसका ख्याल आपके पास रखना चाहता हूं। जब मैं हिंदुस्तान की सरकार में गृह मंत्री का पद स्वीकार किया, तब मुझे कोई ख्याल नहीं था कि ये देसी रियासतों का काम कोई मेरे पास आने वाला है या उसका क्या नक्शा बनेगा, तब से ये रियासतों का क्या होना चाहिए और किस तरह से काम लेना चाहिए वो मैं सोच रहा था। आपने देखा कि जब समय आया तब मैं पिछले दिसंबर में उड़ीसा में गया और उड़ीसा के जो रियासत थे सब राजाओं को बुलाया और सब मिले। मैंने बहुत इन लोगों के साथ चंद घंटों तक बातों की, समझाया। वो झिझकते थे और करना न करना उसका ख्याल उनके दिल में पक्का नहीं था। आखिर मैंने इन लोगों को कह दिया, यदि आपको दस्तक करना हो समझ सोच के करो, मैं आपके पर कोई दबाव डालना नहीं चाहता। यदि आपको वक्त चाहिए तो वक्त लो, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी समझ के उसमें दस्तखत करो, तब मैं कबूल करूंगा। उन लोगों ने नहीं किया, मैं चला गया। स्टेशन पर गया, रेलवे में मैं बैठा, वहां तक उन लोगों ने दस्तखत नहीं किया, लेकिन मेरे पीछे एक पैगाम भेजा इन लोगों ने कि एक घंटा ठहर जाइए। तो हम रेलगाड़ी में वहां ठहर गए और मेरा सेक्रेटरी वहां रहा, उन्होंने उन लोगों को समझाया। उसके बाद इन लोगों ने सबने दस्तखत किया और मुझको ये दस्तखत रेलवे पर भेज दिया। हाँ, एक बात मैंने कही कि ये चीज जल्दी करने की, क्योंकि मेरा एक रियासत के साथ काम नहीं है, मेरा तो छोटी मोटी बहुत सी रियासतों के साथ काम है, मुझे जल्दी ये काम संकेलना है और जल्दी न होगा तो उसमें रुकावट डालने वाली शक्ति वो पड़ी है, वो बिगाड़ देगा। ये थे हमारे सरदार, पर आज उन्हीं के इन विचारों को, उन्हीं की परिकल्पनाओं को, जिन्होंने अपने प्रबल इरादों से मूर्तिमंत किया, पूरे विश्व में भारत देश का अलग ही गौरव प्रस्थापित किया, वे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए तालियों के गर्जन के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर वे करेंगे राष्ट्र के नाम संबोधन।